Hello students, coming on to the next part of moment of inertia, rotational motion and rigid dynamics. Moment of inertia of rectangular and square plate. Okay, rectangular निकाल लेंगे हम लोग, square plate के लिए आसान है, बस कुछ नहीं, कुछ वाले substitute इधर का उधर करना है और आंसर आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले we'll start with rectangular plate. एक rectangular plate दी है जिसका length है a और ब्रेथ है बी. ओके, एंड पहली बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है. ओके, दिस एक्सिस यानी अब ये कैसा रहेगा, एक इमेजिन करो. ओके, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है. ओके, और ये ऐसा जा रहा है. ओके, यानी इस केस में रेक्टेंगुलर प्लेट ये ऐसा घूम रहा है. क्लियर, या ऐसा घूम रहा है. अब अगर ये ऐसा मोमेंट हम लोगों ने एक्सिस कंसीडर किया तो इस केस में रेक्टेंगुलर प्लेट ये ऐसा घूमेगा. समझा? सो दिस ये ऐसा कंसेप्ट है. दिस इज परपेंडिकुलर टू वन साइड. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू साइड ए. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसके थिकनेस कितनी है dx और जिसका मास कितना होगा dl. ठीक है, फॉर प्लेट, फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट मास पर यूनिट एरिया दैट इज मास अपॉन एरिया दैट इज m बाय ab. नाउ फॉर स्ट्रिप, ओके, फर्स्ट स्ट्रिप मास इज इक्वल टू मास dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप. अब ये स्ट्रिप का लेंथ कितना आएगा b और ब्रेथ कितना आएगा dx, तो एरिया कितना हो गया b dx, b और b कैंसिल हो गया, तो dm इज इक्वल टू m by a dx. ठीक, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप di is equal to mass कितना है इसका dm into distance let us say ये है x, तो it is di is equal to dm into x square. ठीक है, now moment of inertia ये strip का हो गया. अब strip के बाद में हम लोगों को जो moment of inertia निकालना है वो किसका निकालना है, पूरे plate का निकालना है. okay, तो पूरे plate का moment of inertia कितना रहेगा, so moment of inertia रेक्टेंगुलर प्लेट आर इज इंटीग्रेशन डी आई. ओके, नाउ इंटीग्रेशन डी आई में इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर. ओके, लेकिन डीएम की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू कितनी है एम बाई ए इंटू डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर dx. क्लियर, सभी को ध्यान में है, लेकिन इसमें लिमिट लगनी चाहिए. ओके, लिमिट क्या लगेगी, अब स्ट्रिप तो पहली स्ट्रिप तो यहां आई होगी ना, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा यहां से माइनस ए बाई टू, तो पहला लिमिट हो गया माइनस ए बाई टू, और आखिरी स्ट्रिप ये यहां रही होगी, उसका डिस्टेंस कितना रहा होगा यहां से प्लस ए बाई टू. Therefore, moment of inertia कितना हो गया? m by a constant है integration के बाद, integration x square कितना हो गया? x cube by 3, minus a by 2 से लेके plus a by 2. Substitute किया, m by a, पहले कितना आएगा? 3 भी बाहर आ गया. ठीक है? तो पहले आएगा a cube by 8, minus a cube by 8. पूरा अगर solve किया, तो i कितना आएगा यहाँ पे? m a square by 12. ओके, समझा? अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अगर एक्सिस ऐसी जा रही है और ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आ जाएगा m b square by 12. प्रूव कर सकते, सेम वे में प्रूव कर सकते.
ठीक है, यानी जिस साइड को परपेंडिकुलर है वो लेना है यहां पे। जैसे इस बार एक्सिस परपेंडिकुलर कौन से साइड को थी, ए साइड को, तो हम लोगों ने एम स्क्वायर बाय 12 लिखा। अब एक्सिस बी साइड को परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाय 12। नाउ व्हाट विल हैपन इफ एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस, ओके, तो इस केस में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, इसको और इसका, ये वाले साइड का और ये वाले साइड का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m by 12 ब्रैकेट में a square plus b square। तो ये तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, एक ये, दूसरा और ये तीसरा। इस केस में कुछ नहीं, ये भी एक रॉड के जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी एक रॉड के जैसा बिहेव कर रहा है, दोनों का एडिशन, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेट अगर रहा तो स्क्वायर प्लेट के लिए दोनों साइड सेम ही होती है ना, स्क्वायर में अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा दोनों इसमें, एम ए स्क्वायर बाय 12, ठीक है ये। लेकिन स्क्वायर प्लेट अगर ऐसा रहा, अब ये ए था ये बी था, अब ये ए है ये ए है, तो बी स्क्वायर के बीच में क्या डालेंगे, ए स्क्वायर डालेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, आई एम ए स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर प्लेट के लिए, ओके एक्सिस ऐसा जा रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, स्क्वायर प्लेट के लिए दो याद रखना है, ओके। सो क्लियर हुआ सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लेट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके दैट्स इट।